पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम, कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी को ईडी द्वारा नोटिस दिए जाने को लेकर कांग्रेसी नाराज हैं। कांग्रेसियों ने देश भर में काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया। इसको लेकर संवाददाता चित्रा पटेल ने पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम से सीधी चर्चा की, तो आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा मामले को लेकर। राहुल गांधी और सोनिया गांधी को ईडी ने नोटिस दिया है, इसको लेकर देश भर में कांग्रेसी नाराज है, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। केंद्र में बैठी भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी की सरकार को विपक्ष के नेता, हमारे नेता राहुल गांधी जी अगर देश की जनता के सामने रखते हैं तो केंद्र सरकार को तकलीफ होती है, पेट में दर्द होता है। इसीलिए ईडी के माध्यम से हमारे नेता को नोटिस दिया है। हमारे नेता राहुल गांधी जी योद्धा बनकर ईडी कार्यालय जा रहे हैं, उसका जवाब भी देंगे। लोकतंत्र की, प्रजातंत्र की हत्या करना चाहती है, मगर हम मोदी सरकार से डरेंगे नहीं, लड़ेंगे और उसके हर नोटिस का जवाब देने के लिए हम तैयार हैं। देखिए, अपनी नाकामियों को दबाने के लिए, छुपाने के लिए विपक्ष को दबाना चाहती है, मगर विपक्ष कभी डरेगा नहीं, झुकेगा नहीं और उसके हर का मुकाबला करने के लिए तैयार है। ऐसे पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम आज पूरे देश भर में कांग्रेसी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, काले पट्टी लगाकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सोनिया गांधी और राहुल गांधी को ईडी द्वारा जो है वो नोटिस दिया गया है, वो इसके विरोध जता रहे हैं पूरे देश भर में काली पट्टी बांधकर। मैं चित्रपल एमके न्यूज रायपुर।